दोस्तों, उम्र के साथ ही साथ बालों का सफ़ेद होना एक साधारण सी बात है, परंतु यदि उम्र से पहले बाल सफ़ेद होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे बाल एक उम्र पर ही सफ़ेद हुए थे, परंतु अब वापस काले हो गए हैं। किस तरह से मैंने अपने बालों को, जो 4-5 सफ़ेद बाल हुए थे, उन्हें किस तरह से काला किया है, आज यही चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल नेचुरल हेयर डाई बनाना बताऊँगी, जिससे कि आपके जो कुछ बाल सफ़ेद होना शुरू हुए हैं वे वापस काले हो जाएँ। जब तक हो सके बालों की केयर जरूर करें, केमिकल वाले डाय का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। बाल ही तो हमारी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। तो चलिए, मैंने अपने सफ़ेद बालों को कैसे काला किया है, इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच हल्दी। हल्दी को ड्राई रोस्ट करना है, भुनना है, सेकना है, ताकि ब्लैक हेयर डाई बनकर तैयार हो जाए। आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगी, ये ना सोचिए अरे हल्दी ये तो पीली होगी। आप चाहे दोस्तों तो यहाँ पर हल्दी को भूनते समय 1 चम्मच हल्दी और भी ले सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा सेक कर रख लें। हमेशा टाइम नहीं रहता है कि हम बार बार हल्दी को सेकें, आपको लेना केवल 1 चम्मच है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच हल्दी को भून कर रख रही हूँ, ताकि 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब इस रेमेडी को दोबारा रिपीट करें तो भुनी हुई हल्दी हमें मिल जाए, बार बार हमें भूनना ना पड़े, कई बार टाइम नहीं रहता है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हल्दी को ब्लैक करना है, ड्राई रोस्ट करना है, भूनना है। हल्दी एक औषधि है, एक मेडिसिन है, जिसे हम लोग इतनी दवाइयों में यूज़ करते हैं, खाने में रोज के इस्तेमाल करते हैं, कई बीमारियों से हमें हल्दी बचाती है, वो हमारे बाल को नुकसान कैसे कर सकती है। तो इस तरह से मैं इसे भून रही हूँ, आप देखते जा रहे हैं लाइट ब्राउन कलर हुआ है, अभी बिल्कुल ब्लैक कलर हो जाएगा। ये काम बिल्कुल धीमी आंच पर, स्लो फ्लेम पर ही आपको करना है। एक मेडिसिन है, डैंड्रफ की समस्या को बिल्कुल ही दूर करती है, हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाती है। कई बार हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा हमें खुजली होती है, इरिटेशन होता है, उसे भी ख़त्म करती है हल्दी। तभी तो आज भी हम लोग किसी भी चोट, मोज, घाव सब में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। सर्दी, खांसी, कफ, कोई भी चीज़ की परेशानी हो, सबसे पहले हम लोग हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। 100 बीमारियों की एक दवा है हल्दी। उसी तरह से हमारे बालों के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए, बालों की जड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे स्कैल्प को क्लीन करती है हल्दी, में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। किसी भी तरह का चर्म रोग है उसे भी दूर करती है हल्दी। दोस्तों, खासकर बारिश के मौसम में ना सिर में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, कई बार स्कैल्प में इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो वो सारी परेशानियों को दूर करती है। अभी हल्दी बहुत ज़्यादा गर्म है, मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसे ठंडा होने रखती हूँ। ये देखिए, तो अब थोड़ी थोड़ी सी हल्दी ठंडी हुई है, तो अच्छी तरह से पहले ठंडा कर लें और केवल 1 चम्मच हल्दी का इस्तेमाल करना। बाकी 1 चम्मच हल्दी को किसी भी एयर टाइट डब्बी में भर कर रख दें। हेयर थिनिंग को ट्रीट करती है, जो बाल गिर रहे हैं, बाल पतले हो गए हैं, बाल झड़ रहे हैं, उसे बिल्कुल ही ठीक करती है। हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाएगी ना दोस्तों, अपने आप बाल अच्छे होंगे। साथ ही साथ हमारे बालों को थिक करती है और हमारे बालों की ग्रोथ को फास्ट करती है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चाय पत्ती ली है, चाय पत्ती को 1 गिलास पानी डालकर उबलने रख दिया है। टी लीफ चाय पत्ती, कोई सी भी चाय पत्ती ले सकते हैं, जिस भी कंपनी की आप लोग चाय पीते हैं वो ले लें। चाय की पत्ती एक बहुत बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट है, चाहे हमारे स्किन की बात करें, चाहे हमारे बालों की बात करें, चाय पत्ती का एप्लीकेशन बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, चाय पत्ती हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाती है, हमारे बालों को सिल्की, शाइनी और मज़बूत बनाती है। कम से कम 4-5 मिनट अच्छी तरह से इसे बॉईल करना है, ताकि देखिए पानी की क्वांटिटी कम हो गई है और चाय पत्ती का सारा अर्क इस टॉनिक में आ गया है। वैसे भी दोस्तों, चाय पत्ती का पानी हमें समय समय पर बालों पर ज़रूर लगाना चाहिए। जब भी आप लोग शैम्पू करते हैं ना, तो शैम्पू को हम लोग कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाया जाता कि डायरेक्ट लिया और लगा लिया। चाय पत्ती का थोड़ा पानी बना कर रखें, थोड़ा सा 1 कटोरी का, उसमें शैम्पू को मिलाकर अच्छे से मिक्स करें, उससे हेयर वॉश करें, बालों का ध्यान रखें, बाल लंबे समय तक खूबसूरत रहेंगे। साथ ही साथ जो चाय पत्ती, इसमें विटामिन ई होता है, विटामिन सी होता है, हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, हमारे बालों को मैनेजेबल बनाती है, हमारे बालों को आपस में उलझने नहीं देती है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है चाय पत्ती। 1 चम्मच ड्राई रोस्ट ब्लैक टर्मरिक मैंने इसमें डाला है। हल्दी, चाय पत्ती के पानी में मैंने 1 चम्मच भुनी हुई हल्दी को डाला है। वैसे मार्केट में ना दोस्तों, ब्लैक टर्मरिक भी मिलती है, आप चाहें तो किसी आयुर्वेदिक स्टोर से खरीद सकते हैं, परंतु मैंने आपको अपने किचन की ही हल्दी को सेक कर, भून कर, ड्राई रोस्ट करके ब्लैक टर्मरिक बनाना बता दिया है। अब अगली चीज़ जो कि आपको यहाँ लेना है दोस्तों, मेहंदी, हीना।
ऐसा ना सोचे अरे मेहंदी है, मेहंदी बालों को सिर्फ ऑरेंज कलर देती है। जी नहीं दोस्तों, मेहंदी जो है एक नेचुरल हेयर डाई तो है ही, हमारे बालों की जड़ों को पोषण देती है, प्री मैच्योर ग्रे हेयर से फाइट करती है, साथ ही साथ हमारे बालों से रूसी की समस्या को दूर करती है, हमारे बालों में चमक लाती है, बालों की जड़ों को पोषण देती है जिससे हमारे हेयर सेल मजबूत होते हैं, हमारे बालों को मॉइस्चराइज करती है, हेयर फॉल को रोकती है। मेहंदी, मेहंदी क्या है, एक हर्ब्स है, एक पौधे की पत्ती है मेहंदी। इन पत्तियों को, इन लीव्स को सुखाकर पाउडर बनाकर फिर हम तक बेचा जाता है। तो पौधे की पत्ती है, नुकसान नहीं करती है बालों को, बहुत सुंदर कलर आएगा आपके बालों में। इसलिए मैंने यहाँ पर एक चम्मच हल्दी को ब्लैक करके डाला है ताकि आपका स्कैल्प हेल्दी हो। हमारे स्कैल्प का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और जो मेहंदी है वो हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाती है, हमारे बालों को कंडीशन करती है, और इसके मेहंदी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं दोस्तों। और कलर तो देती ही है, बहुत सुंदर कलर बालों में वॉल्यूम ऐड करती है। मेहंदी लगाने के बाद कभी भी शैम्पू का इस्तेमाल ना करें अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। लंबे समय तक इस हेयर डाई को लगाकर रखना चाहते हैं, मतलब सफ़ेद बालों को काला रखना चाहते हैं, तो इसको लगाने के बाद सादे पानी से हेयर वॉश करें। कम से कम 45 मिनट तक आप इसे ज़रूर रखें, उसके बाद सादे पानी से हेयर वॉश करें। पहले बार के इस्तेमाल से कमाल का रिज़ल्ट मिलेगा। हमेशा नेचुरल चीज़ों से ही बालों को काला करें, जितना हो सके दोस्तों केमिकल की चीज़ों से बचकर रहें। मैं अपने सभी वीडियो में यही कहती हूँ कि केमिकल की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, इसीलिए तो आजकल बाल इतने ज़्यादा ख़राब होने लगे हैं। उम्र से पहले हमारे बाल सफ़ेद होने लगे हैं, मेरे भी कुछ कुछ बाल जो सफ़ेद थे दोस्तों वो बिल्कुल वापस काले हो गए हैं। नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया, मैंने कभी भी हेयर डाई का इस्तेमाल नहीं किया आज इस उम्र में आने के बाद भी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसे लगाना है पूरे बालों की जड़ों पर, बालों की पूरी लंबाई पर, आधे घंटे से 45 मिनट तक लगा कर रखें, उसके बाद हेयर वॉश करें। सप्ताह में एक बार आपको लगाना है, सप्ताह में नहीं टाइम है तो 10 दिन 12 दिन में एक बार आप इसे, इस नेचुरल हेयर डाई को ज़रूर लगाएं, जो कि आपके बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करेगी। ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है दोस्तों, इसका जो नेचुरल हेयर डाई है, डाई को रिलीज़ करेगी मेहंदी, आप इसे लगा कर रखें। आप चाहें तो इसे लगाने के बाद अपने बालों को शॉवर कैप से कवर करें, या किसी भी वेजिटेबल पॉलीथीन से आप इसे अपने बालों को कवर करें ताकि सूखने ना पाए। कोई भी हेयर मास्क लगाएं दोस्तों, चाहे मेथी का पाउडर लगाएं, चाहे एलोवेरा लगाएं, उनमें नमी होना ज़रूरी है। किसी भी हेयर मास्क को बहुत सुखाया नहीं जाता है, नहीं तो बाल झड़ते हैं। पूरे बालों की लंबाई पर लगाएं, बालों को बांध लें आप। बहुत बढ़िया आयुर्वेदिक हर्बल तरीका आपके साथ शेयर किया है दोस्तों, और इसे लगा कर रखें। आप शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, आप चाहें तो नेक्स्ट डे आप लोग शैम्पू कर सकते हैं, रात को तेल लगा सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बालों की केयर तो करें, पानी ज़्यादा पिएं, एक आंवला डेली खाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें।